Good morning, everybody. Pragati here, and today's video is about my journey from Kalpa to Nagpur. आज हम लोग अभी कल्पा से निकल रहे हैं. ओके, 9 बजे का जो PO है वहाँ से बस है वो ताबो के लिए जाता है, पर 9 बजे का बस नागपो अराउंड 4 to 5 PM पहुँचता और ताबो अराउंड 8 to 9. सो वी आर प्लानिंग टू स्टे एट नागपो, क्योंकि 4-5 बजे जाएंगे तो होम स्टे ढूंढने में भी आसानी होगी. और अभी हम लोग को आधा घंटा डिसेंड भी करना है, तो 8 तो ऑलरेडी बज गए, तो 8:45 तक पहुंचना है, क्योंकि ये बस शायद रामपुर से आता है. तो जितना जल्दी जाएगा तो बैठने के लिए जगह मिलेगी, क्योंकि बहुत लंबा जर्नी है. सो इट्स टाइम टू गो टू नागपुर. हेलो, सो राइट नाउ आई एम हैविंग अ ब्रेकफास्ट और थोड़ा प्लान चेंज है. अभी हम लोग जो 8:30 का बस है वही पकड़ के नीचे जा रहे हैं, क्योंकि अभी चलते थोड़ा टाइम जाएगा और ऑलरेडी 8:30 बज चुके हैं. सो वी विल गो बाय बस नाउ. सो थैंक्स टू हिमाचल पुलिस, अभी हम लोग रेकोंगपियो टाइम पे पहुंच गए. अभी 9:05 का है और अनाउंसमेंट हो रही है. अभी वी आर वेटिंग फॉर दिस ताबो का बस. और अभी हम लोग जब बस में थे तभी जो मिलिट्री के लोग थे उनसे हम लोग बात कर रहे थे, क्योंकि बारिश हो रही है इसकी वजह से नागपो तक का रोड अच्छा है, बट उसके बाद का जो रोड है वहाँ पर बहुत सारी लैंडस्लाइड हो रही है. फाइनली हम लोग को बस मिल गया है एंड नाउ वी आर ट्रैवलिंग टूवर्ड्स नागपो. सो फिलहाल हम लोग एक स्पिलो करके एक छोटा सा विलेज है वहाँ पे रुके हुए हैं. तो लगता है जो बस के ड्राइवर और कंडक्टर है वो यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं. तो अभी हम लोग थोड़ा टाइम में निकलेंगे और एक्सपेक्टेड है कि हम लोग नागपुर तक 2-3 बजे तक पहुंच जाएंगे. सो राइट नाउ यू कैन सी शायद आगे थोड़ा सा एक छोटा सा लैंडस्लाइड हुआ है, इसकी वजह से हमारी सब बसेस रुकी हुई है. ये टाइम किन्नौर वैली में अब कुछ ज़्यादा ही बारिश हो रही है, सो दैट इज़ द रीज़न ये छोटे मोटे लैंडस्लाइड हुए हैं. इसकी वजह से काजा जाने के लिए बहुत तकलीफ हो रही है. यू कैन सी अभी भी इट्स स्टिल रेनिंग. तो अभी रास्ते में थोड़े पत्थर गिरे हुए हैं, तो हमारे बस में से और पीछे वाले बस में से कुछ लोग आ रहे हैं और हम लोग ये थोड़ा जो पत्थर गिरे हैं वो क्लियर करेंगे, तभी हमारी बस आगे जा पाएगी. आप देख सकते हो एक बड़ा पत्थर है.
सो एज यू कैन सी फाइनली जो रोड ब्लॉक हुआ था, एक छोटा सा रोड ब्लॉक था, वो क्लियर हो गया है, पर अभी भी कभी भी ऊपर से पत्थर गिर सकते हैं। और ये हमारा बस आ गया है। सो फाइनली वी हैव रीच टू नाको, और यहाँ से थोड़ा आगे अभी चल के जाना पड़ेगा। ये जो बस है वो डायरेक्टली ताबो के लिए जाता है, सो नाउ वी विल वॉक टुवर्ड्स नाको।